प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम ड्यूटीज ऑफ बेंच यानी जो जजेस हैं उनका क्या ड्यूटीज हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बार एंड बेंच रिलेशंस को समझा, हमने जाना कि एक एडवोकेट और जज के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक एडवोकेट और एक जज के बीच फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन दोनों को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना चाहिए, अपने स्टेटस अपने पोजीशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल बार बेंच रिलेशन क्या है उसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। आज हम बार बेंच रिलेशंस के ही तहत ड्यूटीज ऑफ बेंच यानी जो जजेस हैं उनका क्या ड्यूटीज बनता है, जजेस का क्या ड्यूटीज बनता है पार्टीज को लेकर के, जजेस का क्या ड्यूटीज बनता है सोसाइटी को लेकर के और एडवोकेट्स को लेकर के, इन सभी एस्पेक्ट पे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेंच, देखो इंट्रोडक्शन, इसमें आप लिखोगे कि इन अ स्टेट जज होल्ड हाई पावर ऑफिस एज द पावर्स विच आर हेल्ड बाई जजेस आर ग्रेटर देन एनी अदर फंक्शनरीज। अगर हम एक स्टेट में देखें तो सबसे ज्यादा पावर जज के हाथ में होता है, राइट? और ये जो जज का पावर होता है वो किसी अदर फंक्शनरीज किसी अदर ऑफिसर से कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन का जो लिबर्टी है, एक पर्सन का जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस है, जो रेपुटेशन है, ये सभी डिपेंड करता है जज के डिसीजन के ऊपर, ये सभी डिपेंड करता है ऑन द विजडम ऑफ जज। और सिटीजन्स को जज के डिसीजन को मानना पड़ता है। तो एक पर्सन जिसका डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जिसका लिबर्टी, जिसका रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये सभी केवल और केवल किस पे बेस्ड है? जज के डिसीजन पर बेस्ड है। तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो जुडिशरी हो वो इंडिपेंडेंट हो, वो इम्पार्शियल हो और इफेक्टिव हो, क्योंकि अगर जो हमारे जजेस हैं वो करप्ट हो जाते हैं तो सिटीजन्स को, सिटीजन्स के लाइफ को लेकर के कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा, उनके पर्सनल डोमेस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक स्टेट के पास इंडिपेंडेंट इफेक्टिव इम्पार्शियल जुडिशरी हो, और इसके लिए जो जजेस हैं उन्हें अनबायस्ड तरीके से अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिख दोगे। अब देखो क्या क्या ड्यूटीज़ बनता है एक जज का, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहला है पार्टीज हियरिंग। देखो While hearing the case, judge shall not be biased. जज को सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस रखना है, जो भी केसेस उसके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं उन केसेस को उसे ध्यान से समझना है, साइलेंटली विथ फुल अटेंशन, और कोई भी जजमेंट डिलीवर करने से पहले दोनों ही पार्टीज को सफिशियंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है कि वो अपने डिफेंस में एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सके,
ठीक है। तो जज का जो प्राइमरी और फोरमोस्ट ड्यूटी बनता है वो क्या है, पार्टीज हियरिंग एंड गिविंग द पार्टीज सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज टू डिफेंड देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसमें आप लिखो, व्हाइल हियरिंग द केस, व्हाइल हियरिंग द केस, जज शैल नॉट एक्ट बायस्ड, जज शैल हियर बोथ द पार्टीज, जज शैल हियर बोथ द पार्टीज साइलेंटली एंड विथ फुल अटेंशन, एंड जजेस मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज टू पार्टीज टू टू डिफेंड themselves, ठीक है। तो parties hearing, it is the primary duty of judge to hear the cases which are presented before him silently and with full attention. Judges should give sufficient opportunities to the parties so that they can make defense of themselves, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है impartiality। जजेस को हमेशा impartial एक्ट करना है, उसे कोई भी चीज़ अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव के फेवर में नहीं करना है। अगर parties to the proceedings में से कोई एक पार्टी उसका रिलेटिव है या उसका फ्रेंड है तो जजमेंट उसके फेवर में नहीं देना है। सारे फैक्ट्स सारे एविडेंसेस को एग्जामाइन करने के बाद उसे राइटफुल जजमेंट डिलीवर करना है, तो ही मस्ट एक्ट इम्पार्शियल, ठीक है। ये हो गया, तो लिख लो इम्पार्शियल। इम्पार्शियल judge shall act impartial and shall not do anything in favor of his friend और रिलेटिव्स ही मस्ट डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। तो ये दूसरा क्या है, ड्यूटी है जज का। तीसरा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शंस। देखो, व्हेन एडवोकेट्स एग्जामाइन विटनेसेस इन अ केस और आर्गू इन अ केस, जज शैल मेक श्योर दैट देर आर नो इंटरप्शंस। जब जो एडवोकेट है वो विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर रहा हो या कोर्ट के सामने आर्गुमेंट कर रहा हो तो एज अ जज उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जज साहब क्या करें, ये इंश्योर करें कि कोई इंटरप्शंस ना हो, अनवांटेड इंटरप्शंस या बैड कमेंट बाय जज ड्यूरिंग
हियरिंग ऑफ द केस, तो अगर जज साहब अनवांटेड इंटरप्शन करते हैं या बैड कमेंट करते हैं एडवोकेट्स को लेकर के, तो ये एडवोकेट को डिस्टर्ब करेगा, उसे डीमोटिवेट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट जो एडवोकेट है वो अपने केसेस को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, अगेन जस्टिस विल नॉट बिकम पॉसिबल। लेकिन जो जज साहब हैं वो इन सर्कमस्टांसेस में इंटरप्ट कर सकते हैं अगर उन्हें नेसेसरी लगता है, जैसे टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर ऐसा लग रहा है कि जो एडवोकेट है वो केसेस को जानबूझ के एक्सटेंड कर रहा है, तो टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम जज कैन इंटरप्ट। दूसरा क्या है, टू चेक द रेलेवेंसी ऑफ आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बिफोर द एडवोकेट्स। जज ये इंश्योर कर सकता है कि जो भी आर्गुमेंट्स पेश किए जा रहे हैं एडवोकेट के द्वारा, क्या वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से या मैटर इन इशू से या नहीं, या अगर लगता है कि जो जज है उसे लगता है कि जो एडवोकेट है वो ऐसे आर्गुमेंट्स कर रहा है जो कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जज कैन इंटरप्ट। तीसरा, टू मेक क्लारिफिकेशंस ऑन अ पॉइंट दैट इट इज़ नॉट क्लियर टू हिम। अगर कोई चीज़ एडवोकेट को क्लियर नहीं है तो उस पर इंटरप्ट कर सकते हैं जज, या जज को अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो जज कैन इंटरप्ट, दोनों ही कंडीशंस में। टू एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन ऑन अ पॉइंट, जज अपने ओपिनियन को किसी पॉइंट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड टू प्रमोट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, जज मे इंटरप्ट। अगर लगता है कि जो वकील साहब हैं वो जानबूझ के केसेस को एक्सटेंड करा रहे हैं, तो स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए जज मे इंटरप्ट, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि जस्टिस डिलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो इन सभी सर्कमस्टांसिस में एक जज जो है वो इंटरप्ट कर सकता है। तो लिख लो, अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शंस, अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शंस। Avoidance of interruptions. Avoidance of interruptions. When advocate examine the witness or during argument of the cases, during argument of the cases, judge shall make sure there must not be any kind of unwanted interruptions. ठीक है, आगे आप लिखोगे, but judge can interfere in following circumstances. पहला, to prevent wastage of time. दूसरा, to check relevancy of arguments put forward by advocates. Tisra, to make clarifications on a point that is not clear to advocate or on a point which is not clear to the judge. Chautha, to express his own opinion on a point. Aur panchwa, to promote speedy disposal of the case. Right. Fir hai hamara interpretation of statute. Interpretation of statutes. Interpretation of statutes.
कुछ केसेस में जो जज है वो किसी एक्ट का, कोड का, रेगुलेशंस का, ऑर्डर का, बिल का इंटरप्रिटेशन कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब ये इंटरप्रिटेशन क्यों किया जाता है? ये इंटरप्रिटेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो लॉ के प्रोविजंस हैं उनके एक्चुअल मीनिंग को ड्रॉ किया जा सके, राइट? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बाय जज टू मेक क्लियर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लिख लो, इन सम केसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, कोड, बिल, रेगुलेशन कैन बी मेड बाय जज इन ऑर्डर टू ड्रॉ एक्चुअल मीनिंग ऑफ लॉ विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग एनी डाउट्स और एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो ये है। अब क्या है एडजॉर्नमेंट्स? एक जज को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो केसेस हैं उसे बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के एडजॉर्न ना किया जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो एक जज को हमेशा ये एफर्ट्स लगाना चाहिए कि वो कम से कम एडजॉर्नमेंट ग्रांट करे। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट्स में आप लिखोगे विदाउट रीजनेबल एंड सफिशिएंट ग्राउंड्स केसेस शैल नॉट बी एडजॉर्न्ड। फिर क्या है स्पीडी डिस्पोजल। स्पीडी डिस्पोजल case that comes before the court shall be disposed of as soon as possible. ठीक है, judge shall ensure that cases which come before him या before the court लिखो, cases judge shall ensure that cases which comes before the court shall be disposed of as soon as possible. With an aim of providing justice quickly. ठीक है, तो ये है। फिर क्या है अवॉइडिंग हार्स कमेंट्स। हार्स कमेंट शैल बी अवॉइडेड बाय द जज इन द कोर्ट अबाउट द एडवोकेट्स लैक ऑफ नॉलेज इन लॉ। जज शुड पॉज अ काम टेम्पर। देखो, एक जज को हमेशा ये एंश्योर करना चाहिए कि वो अगर एडवोकेट किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे श्योर नहीं है या उसे किसी पॉइंट ऑफ लॉ का कम नॉलेज है तो उसका मजाक ना उड़ाए या कोई हार्श कमेंट ना करे। क्योंकि अगेन, अगर ऐसा ये करता है जज
तो एक एडवोकेट प्रॉपरली अपने केस को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा और डीमोटिवेट हो जाएगा। अगेन कोई ना कोई इनके बीच का जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होगा और हमारे पार्टीज को सफ़र करना पड़ेगा। तो दीज आर सम ड्यूटीज विच अ जज शुड फॉलो। ठीक है, तो कौन कौन से ड्यूटीज हैं? सबसे पहला पार्टीज हियरिंग, दूसरा इम्पार्शियलिटी, तीसरा अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शंस, चौथा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडजॉर्नमेंट्स, स्पीडी डिस्पोजल और अवॉइडिंग हार्श कमेंट। इसमें आप लिखोगे हार्श कमेंट्स शैल बी अवॉइडेड बाय द जज इन द कोर्ट अबाउट एडवोकेट्स लैक ऑफ नॉलेज इन लॉ, जज शुड पॉज इज काम टेम्पर। ठीक है, तो ये है ड्यूटीज ऑफ बेंच। अब कल के वीडियो में हम ड्यूटीज ऑफ बार को समझेंगे इसी तरह नोट्स के साथ। तो अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, किसी मैनर में मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू।